और चलिए उत्तराखंड के डोंगरगढ़ की बात करेंगे, जहां पर मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ में करोड़ों की लागत से बना रोपवे बंद कबाड़ में तब्दील हो गया है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया रोपवे पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। बता दें कि साल 1996 में बना रोपवे को 2 साल तक नगर पालिका ने संचालित किया और उसके बाद रोपवे का संचालन अलग से किया जा रहा है। अलग अलग कंपनियों को टेंडर भी दिए जा रहे हैं, जबकि रोपवे से नगर पालिका को हर साल लाखों रुपए का राजस्व आता है। इसके बावजूद भी नगर पालिका ने रोपवे को एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में संचालन दे दिया है। वहीं कई सालों से बंद रोपवे से नगर पालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा करोड़ों की लागत से बने रोपवे की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। केबल और दूसरे उपकरणों की जांच में लगे हुए हैं। तो वहीं लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए रोपवे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते जंग में तब्दील हो रही हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कब अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागकर तत्परता दिखाते हैं और कार्रवाई करते हैं। रोपवे 2 साल से बंद है क्योंकि नगर पालिका को बहुत लंबा नुकसान हुआ है बंद होने से। कोरोना काल से रोपवे बंद है और जो रोपवे का मालिक था उसका जो है समय भी समाप्त हो चुका था, किंतु समय समाप्त होने के पहले ही उसने रोपवे बंद कर दिया। नगर पालिका को चाहिए था कि उनके ऊपर कार्रवाई करें और जो आर्थिक क्षति नगर पालिका को पहुंची है उसे पूर्ण करें। मैं आपको बता दूं कि जो रोपवे नगर पालिका के जो चला रहे थे वो उनका अनुबंध था कि 3 मिनट 17 सेकंड में रोपवे को ऊपर पहुंचाएंगे। रोपवे के बारे में आपके माध्यम से पता चल रहा है कि 2 वर्षों से बंद है। मेरी पद स्थापना अभी लगभग 1.5 से 2 माह हुआ है। मैं उस नस्ती को अवलोकन करके रोपवे संबंधी और मेरा प्रयास रहेगा रोपवे के संबंध में कि जितने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको पुनः प्रारंभ करने की